यहाँ भी सारा का सारा सहरा और रेगिस्तान था, और लोगों की ज़िंदगी इसी तरह रेगिस्तानी ज़िंदगी थी। जिस ख़ास इलाक़े में आपकी बैसत हुई है, जहाँ पैदा हुए हैं, उसे वादी हिजर कहा जाता है, और उसी पर कुरान मजीद की एक सूरत है, सूरह हिजर, जो 14वें पारे का जिससे आगाज़ होता है। तो ये कौम समूद थी, जो नूह अलैहिस्सलाम के पोते इरम के बेटे समूद की नस्ल से चली थी। कौम समूद की भी वही बीमारी थी, वो भी शिर्क में मुबतला थे, बुतपरस्ती में मुबतला थे। इसके साथ साथ उनको ज़ाम था अपनी टेक्नोलॉजी का, फ़न तामीर में अपनी महारत का। चुनाचे वादी हिजर के आसपास उस इलाके में जो पहाड़ थे, पहाड़ों को तराश के उनके अंदर उन्होंने अपने महल, अपने बंगले, अपनी कोठियाँ बना रखी थी, जिनके आसार आज भी मौजूद हैं। तो इस फ़न तामीर को उन्होंने अपने लिए एक महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत समझा था। वकानू यनहितून मिनल जिबाली बुयूतन फारिहीन, पहाड़ों को तराश के बेहतरीन मकानात बनाते थे और उनमें बाफरागत खुशहाल ज़िंदगी बसर करते थे, और यूँ समझते थे कि हम इसी हाल में हमेशा रहेंगे, कोई परेशानी, कोई गम, कोई मुसीबत और अल्लाह की नाफरमानी का अज़ाब नहीं आएगा। सालेह अलैहिस्सलाम इसी कौम के नौजवान थे, बड़े हुए, उनकी सलाहियतें सामने आईं, और कौम ये समझती थी कि ये होनहार नौजवान, ये आगे चल के हमारी कौम का एक सितारा, दरख्शां सितारा बनेगा। लेकिन जब अल्लाह ने नबूवत अता फ़रमाई और उन्होंने कौम से कहा, या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो कौम कहने लगी कि ऐ सालेह, हम तो ये समझते थे कि तू बड़ा काबिल निकलेगा, तू ऐसी बात कह रहा है। बहरहाल सालेह अलैहिस्सलाम उनको दावत देते रहे, उन्हें समझाते रहे, और कौम की जानिब से इनकार का सिलसिला चलता रहा। आखिर कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को लाजवाब करने के लिए एक चैलेंज दे दिया और कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो आप इस पहाड़ से हमें एक ऊँटनी पैदा करके दिखाएं, पहाड़ से ऊँटनी पैदा हो और ऊँटनी भी हामिला हो, ऐसी ऊँटनी आप पैदा करके दिखा दें, हम आपको नबी मान लेंगे। अब ये एक ऐसा मुतालबा था जिसका मकसद सिवाय हठधर्मी के, कटहुज्जती के और कुछ ना था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी हुज्जत पूरी करने के लिए सालेह अलैहिस्सलाम के हाथ पर ये मौजज़ा दिखाया। पहाड़ की एक चट्टान से एक ऊँटनी पैदा हुई और ऊँटनी भी हामिला, ऊँटनी पैदा हुई और उसके बाद उस ऊँटनी के यहाँ बच्चे की विलादत हुई, और दिखा दिया कि अल्लाह ताला हर चीज़ कर सकते हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर हैं, और सालेह अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, और उनके सच्चे होने की दलील ये है कि अल्लाह ताला ने उनके हाथ पर एक ऐसा मुइज़ा ज़ाहिर किया है कि जो बिल्कुल ख़िलाफ़ अक़ल है, ख़िलाफ़ फ़ितरत है, और सिवाय अल्लाह के ख़ुसूसी हुक्म के ऐसा हो नहीं सकता। कुछ लोग तो ऐसे थे कि ये मुइज़ा देखने के बाद ईमान ले आए, मुसलमान हो गए, सालेह अलैहिस्सलाम के साथ हो गए, और ये आम तौर पे ये गरीब या मुतवस्सित तबका था। बाकी रही अक्सरियत, और अक्सरियत के ऊपर गालिब रुआसा का तबका, मालदारों का तबका, तो वो ईमान लाने से गुरेज करते रहे, इनकार करते रहे, और ये कहते रहे कि ये ईमान लाने वाले तो ये पस्त कस्म के लोग हैं, घटिया कस्म के लोग हैं, हम इनके साथ सालेह अलैहिस्सलाम की बात क्यों माने। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जो मुइज़ा दिखाया जिससे ऊँटनी ज़ाहिर हुई, उसके साथ आपने ये तंबीह भी फरमा दी थी, नाक़तल्लाहि वसुक़याहा, इस ऊँटनी और इसके पानी पीने के बारे में
تم احتیاط کرنا، اسے کوئی گزند نہ پہنچانا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی قدرت سے پیدا شدہ ایک شاہکار تھا، اس لیے اس اونٹنی کا جسم، اس کی توانائی اور اسی کے لحاظ سے اس کی پیاس، اس کی بھوک بہت زیادہ تھی، اور اس کی ہیبت ایسی تھی کہ جہاں جاتی تھی باقی جانور ڈر کے پیچھے ہو جاتے تھے۔ پانی پینے کا ایک چشمہ تھا، کنواں تھا، جہاں پانی کے لیے پینے کے لیے اونٹنی جاتی تھی تو باقی جانور پیچھے اڑ جاتے تھے، اور اس دن وہ اتنا پانی پی لیتی تھی کہ تقریباً سارا پانی وہ تہہ تک پہنچ جاتا تھا، باقی جانوروں کے لیے پانی نہیں رہتا تھا۔ تو اس کا صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ انتظام فرمایا کہ ایک دن قوم کے جانور پانی پئیں گے، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، یہ باری لگا دی۔ اور جس دن اونٹنی پانی پیتے تھی اس دن اونٹنی دودھ اتنا زیادہ دیتی تھی کہ اس کے دودھ سے پوری قوم کی کفالت ہو جاتی تھی، ان سب کے برتن دودھ سے بھر جاتے تھے، تو یہ ایک نقد فائدہ بھی تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے پیغمبر کی حقیقت کو، ان کی دعوت کی صداقت کو انہوں نے نہیں مانا، اس کو سمجھا نہیں دل سے، تو اللہ کے نظام کو انہوں نے چیلنج کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قوم کا ایک بدبخت شخص جس کا نام قیدار تھا، ایک عورت کے بہکانے پر اس نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اونٹنی جب نکلی تو اس نے اور اس کے ساتھ ایک تیر انداز ساتھی تھا، ان دونوں نے مل کے حملہ کیا، تیر انداز نے تیر چلایا اور قیدار نے حملہ کر کے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب یہ مسئلہ ہوا تو اونٹنی کا بچہ وہاں سے نکل کے بھاگا اور پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ اب صالح علیہ السلام نے قوم کو کہا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، اب صرف 3 دن تم اپنا گزر بسر کر لو، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے، بچ نہیں سکتے، الا یہ کہ توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ لیکن قوم کی ضد کی انتہا یہ تھی کہ اب بھی وہ باز نہ آئے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ عذاب سے 3 دن پہلے تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، اور اس سے اگلے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور اس سے اگلے دن چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اور پھر عذاب آ جائے گا۔ تو یہ بالترتیب ایسا ہی ہوا، لوگوں کے چہرے زرد پڑے، اگلے دن سرخ پڑے، اور اس سے اگلے دن سیاہ پڑے، اور اس کے بعد بھی وہ تیار نہ ہوئے کہ ہدایت قبول کر لیں، بلکہ اس وقت میں انہوں نے انتہا کر دی بدبختی کی کہ یہ منصوبہ بنایا کہ ہم صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں۔ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، رات کے وقت حملہ کریں گے، چھاپہ ماریں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، قوم میں 9 آدمی انتہائی بدبخت تھے، زمین میں فساد پھیلانے والے، تو وہ 9 آدمی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پہ قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی، فرشتوں کا پہرہ لگا دیا، اور وہ 9 آدمی راستے میں کسی پہاڑ کے نیچے آرام کر رہے تھے کہ ایک بھاری چٹان اللہ کے حکم سے لڑک کر آئی اور اس سب کا قیمہ بنا دیا، اور اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک ایسی چیخ آئی، ایسی کڑک آئی کہ اس کی ہیبت سے، اس کی قوت سے لوگوں کے دل پھٹ گئے، اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے، اوندھے منہ گرے اور مر گئے۔ قرآن مجید کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زلزلہ آیا، فأخذتهم الرجفہ، زلزلہ آیا، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ چیخ کی آواز آئی، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ بجلی کا کڑکا تھا، فأخذتهم الصاعقہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے عذاب آئے، ایک آواز بھی آئی جو کسی فرشتے کی چیخ تھی، اور اسی طریقے سے زلزلہ بھی آیا، اور اس صورتحال میں، اس منظر میں ایک بجلی کے کڑکے کا سا تاثر تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم کے سارے نافرمان افراد وہ ہلاک ہو گئے۔
हाँ जो मुसलमान थे, वो अनजैन अल्लदीन आमनू व कानू यत्तकून, यहूद अलैहिस्सलाम के मामले में भी ऐसा हुआ कि अहले ईमान को अल्लाह ने बचा लिया, और सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी यह हुआ कि अहले ईमान को अल्लाह ने बचा लिया। इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें तो वहाँ भी यह हुआ। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है जो अल्लाह ने ज़ाहिर की कि एक ही वक्त में, एक ही बस्ती में जलजला आता है, चीख की आवाज़ आती है। और हुद अलैहिस्सलाम के वाक़े में आपने देखा कि आंधी आती है और वो आंधी पूरी बस्तियों के सिलसिले पर मुसल्लत है, लेकिन उन्हीं गलियों में, उन्हीं घरों में कुछ अहले ईमान भी हैं, अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल साफ़ बचा लिया। तो सालेह अलैहिस्सलाम अपने कुछ साथियों समेत बच गए, महफूज रहे। कहा जाता है कि इस कौम में एक शख्स ऐसा था जो काफिर होने के बावजूद उस अज़ाब की लपेट में नहीं आया। वो शख्स कौन था? उस शख्स को अबू रिगाल कहा जाता है, और वो इसलिए बच गया कि वो उस वक्त मक्का आया हुआ था, हरम में आया हुआ था, जहाँ पर अल्लाह ताला ने सबको पनाह दी है, वमन दखलहू काना आमिरा। तो इसलिए अज़ाब के उन दिनों के अंदर वो शिकार नहीं हुआ किसी मुसीबत का, किसी अज़ाब का। लेकिन जब वो मक्का से निकला तो मक्का के बाहर उस पर अज़ाब आया और वहीं हलाक हो गया, और लोगों ने उसको वहीं दफन कर दिया। और उसे दफन करने के बाद वहाँ पर उसकी कब्र बन गई। कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बार गुज़र हुआ तो आपने सहाबा किराम से पूछा कि मालूम है किसकी कब्र है? तो सहाबा किराम ने कहा नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया कि अबू रिगाल की कब्र है, और आपने फरमाया कि इसने अपने पास सोने की सलाख छुपाई हुई थी। चुनाचे जब देखा गया कब्र को तो उसमें उसकी लाश के साथ सोने की सलाख भी वो मौजूद थी। बहरहाल इन सारे वाक़यात का हासिल ये निकलता है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है, और अल्लाह की मदद, अल्लाह की हिफाजत वो अहले ईमान के साथ है, आमले सवाले करने वालों के साथ है, पैगंबरों की दावत को मानने वालों के साथ है। नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े को देखें तो वहाँ भी ये नज़र आता है। हूद अलैहिस्सलाम के वाक़े को देखें, यहाँ भी यही मंज़र नज़र आता है। सालेह अलैहिस्सलाम के हालात को देखें, यहाँ भी यही नज़र आता है कि अहले ईमान को अल्लाह ने बचाया है, और अहले कुफ्र व निफाक को, और मुशरिकीन को, और अल्लाह के निज़ाम के सामने, अल्लाह के दीन के सामने सीना तान कर आने वालों को अल्लाह ने इबरत का नमूना बनाया है। और यह सिलसिला मुसलसल जारी रहा, और क़ुरान मजीद के अंदर ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हैं, और ये अल्लाह की सुन्नत है। वलन तजिद ली सुन्नत अल्लाह तब्दीला, अल्लाह ताला की सुन्नत, अल्लाह का कानून तब्दील नहीं होता। हर ज़माने का यही हाल है, चाहे वक्ती तौर पर हम किसी कौम को अरूज की जानिब जाता हुआ देखते हों, वक्ती तौर पर किसी किसी कौम को अल्लाह ने ढील दी हो, लेकिन एक वक्त मुकर्रर के बाद अल्लाह का अज़ाब वो मुसल्लत होता है। उसकी शक्ल क्या होती है, ज़माने के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। कहीं जलजला आता है, कहीं सैलाब आता है, कहीं बीमारी आती हैं, कहीं कोई और ऐसी सूरत अल्लाह ताला पैदा फरमाते हैं जो किसी के वहम व गुमान में नहीं होती, और वो चीज़ उस कौम की हलाकत का, तबाही का, जवाल का सबब बन जाती है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत हुद अलैहिस्सलाम, इन दोनों की कौमें, यानी कौम आद और कौम समूद, इन दोनों का ताल्लुक़ अरब से था। अरब के अंदर और भी बहुत सी कौमें आई हैं, लेकिन जो कदीम तरीन कौमें थीं वो ये थीं। और इन कदीम कौमों के साथ जो दीगर कौमें थीं जो इसी तरीक़े से अज़ाब का शिकार होकर ख़त्म हुई हैं, लेकिन उनकी तफसील क़ुरान और हदीस में नहीं मिलती, उनको अरब बायदा कहा जाता है। अरब बायदा अरबों की सबसे कदीम किस्म, यानी वो अरब जो कि दुनिया से मिट गए, उनकी नस्ल ही आगे नहीं चली। इसके अलावा अरबों की दो और किस्में हैं, एक अरब आरबा और एक अरब मुस्तारबा। अरब आरबा वो लोग हैं कि जो लोग यमन के अंदर आबाद थे, खालिस अरबी और नस्ल थे, यमन में आबाद थे। और अरब मुस्तारबा वो हैं कि जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से चले हैं, और ये खालिस अरब नहीं बल्कि अरब आरबा के साथ, निकाह के साथ, रिश्तेदारियों के साथ ये आगे कौम चली है।